जो आने के अभी तक नहीं आया, आने का बाद तो एक तो पूरा प्रपोजल बना देंगे। इन लोग भारतवर्ष का जो गणतंत्र है इसको खत्म करने के लिए लगा हुआ। ये आपको आप चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करता हूँ, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन और होगा नहीं, जो राज्यपाल हर एक स्टेट का जो राज्यपाल जो काम करेगा वही होगा। अगर ऐसा रहते हैं तो आज बाबुल सुप्रियो पूरा आदमी को थप्पड़ मार के आप नहीं जमना चाहता। अगर वो आज थप्पड़ मार रहे इसका मतलब बाबुल सुप्रिया नहीं मार रहा है, वो मोदी जी मार रहे हैं। सोनार बांग्ला उत्तर प्रदेश, सोनार उत्तर प्रदेश होइनी, सोनार मध्य प्रदेश होइनी, सोनार बिहार होइनी, सोनार आसाम होइनी, सोनार झारखंड जत त्रिपुरा होइनी। जय सिया राम, मिट जाएगा बीजेपी का नाम, बीजेपी का नाम मिट जाएगा। जय सिया राम, मिट जाएगा बीजेपी का नाम। और ये बाबुल सुप्रियो तो एमपी है और ये तो सबसे बड़ा पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है, सब कुछ कर दिया। वो बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है। जय श्री राम, बढ़ गया पेट्रोल का दाम, जय श्री राम बढ़ गया गैस का दाम, जय श्री राम बढ़ गया डीजल का दाम, जय श्री राम विदाई होगा बीजेपी का नाम। तो मैं हूं दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज बंगाल की सबसे बड़ी खबर बता दूं, बाबुल सुप्रियो जो टॉलीगंज से जिनको टिकट दिया है भाजपा ने, बाबुल सुप्रियो बड़ा नाम है, पहले बड़ा नेता है उनका आप जानते ही हैं, एक रिपोर्टर पर थप्पड़ मारा है। तो सवाल हम यही करेंगे, बंगाल की जनता मेरे साथ है कि क्या हो रहा है कि भाजपा के बड़े नेता इस तरह से गुंडागर्दी अगर करेंगे तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या बंगाल की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? तो बंगाल की जनता से बात करेंगे, साथ ही इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि किसकी सरकार आने वाली है इस बार बंगाल के अंदर। दादा आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? अम्बोल मुखर्जी। क्या लग रहा है भाजपा के बड़े नेता है सरेआम थप्पड़ मार चला रहे हैं? देखिए बाबुल सुप्रियो जो काम किया अभी पूरे हिंदुस्तान में आदमी लोग देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, जो आने के अभी तक नहीं आया, आने का बाद तो ये तो पूरा उत्तर प्रदेश बना देंगे, उत्तर प्रदेश बना देंगे। उत्तर प्रदेश ये तो लगता है घर कोई बेटी लोग कोई मौज लोग तो बाहर नहीं निकालने नहीं सकेंगे। अभी एक तो ये जेल आदमी को थप्पड़ मार दिया, क्या वो पूछा है जो गैस का दाम इतना क्यों बढ़ गया? ओके एक थप्पड़ मार दिया तो आने के बाद क्या हो गया? अब सोच लीजिए, बंगाल का आदमी तो सोच रहा है जो उसको वोट देने से तो बांग्ला तो पूरा संतरास हो जाएगा। अच्छा। संतरास करेंगे तो लोग, यही तो उसका मोटिव है, गुंडागर्दी करने का तो मोटिव है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर, बड़े नेता अगर कोई ऐसा करे? एक बीजेपी ऑल इंडिया पार्टी, ठीक है, तो इसका एक कल्चर होना चाहिए, इसका एक सांस्कृतिक होना चाहिए। एक एमपी है प्लस मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर, इनका यदि ये नेचर होगा तो आम बीजेपी का वर्कर लोग का क्या हालत है बताइए। तो इन लोग तो आदमी को आदमी नहीं समझेगा जिस दिन पावर में चला आएगा। यहाँ पर आसाम में क्या है, त्रिपुरा में क्या है? त्रिपुरा में 98% त्रिपुरा में पंचायत में कांग्रेस कैंडिडेट विरोधी वाला कोई कैंडिडेट नहीं दे सका। ये तो आपको आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, ठीक है। तो इस लोग गणतंत्र खत्म कर देगा। इन लोग भारतवर्ष का जो गणतंत्र है इसको खत्म करने के लिए लगा हुआ। ये आपको आप चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करता हूँ, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन और होगा नहीं, जो राज्यपाल हर एक स्टेट का जो राज्यपाल जो काम करेगा वही होगा। और मोदी पार्लियामेंट जो दिल्ली में कर रहा है ये वाला रूल लागू होगा। ये लास्ट हम लोगों का ये विधानसभा इलेक्शन है, हम आपके चैनल के माध्यम से भारतवासियों को सीएम की पावर छीनने की तैयारी, सब अंदर से पावर चल रही है, वन नेशन वन लीडर इन लोग चाहता है। मतलब सारा कुछ आप कह रहे हो कि मोदी जी अपने हाथ में कंट्रोल कर लेगा, लेकर किसी को नहीं, जो राज्यपाल मोदी जो ऑर्डर देगा राज्यपाल को, राज्यपाल वो स्टेट चलाएगा। बिल्कुल दिल्ली में जिस तरह की लड़ाई चल रही है उसकी बात कर रहा है दादा आपसे जानेंगे। एमपी है कोई भी बड़ा नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्या शोभा देता है इस तरह की हरकत करना? ये बीजेपी पार्टी लोग का ही शोभा देता है। और हम लोग का जो दल महिलाओं को इज्जत नहीं देता है वो कभी बंगाल में आ ही नहीं सकता है, बंगाल का आदमी कभी एक्सेप्ट ही नहीं। मेनस्ट्रीम मीडिया कह रही है 175 सीटें ला रही है भाजपा, वो बोलने से तो नहीं होगा। आम आदमी क्या बोल रहा है, आम आदमी बोल रहा है दीदी को ही मांगता है, इसलिए हम लोग दीदी का तरफ ही है और दीदी ही आएगा बस। देखिए भाजपा जो बोल रहा है वो दो तारीख उसको जो बैलून आपकी बड़ा काट दिया ना वो हो गया, ठुस जाएंगे। बंगाल में 200 का ऊपर सीट होगा तृणमूल का, 200 का ऊपर, 200 का ऊपर 50 सीट नहीं मिलेगा पश्चिम बंगाल में, 50 सीट भाजपा को नहीं मिलेगा, 50 सीट भी नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। तो अभी देखिए पैसा देख के आदमी लोग को संतोष कर ठेक दे के वोट नहीं होता है, आदमी लोग विश्वास नहीं करते हैं भाजपा को। क्या कहेंगे बाबुल सुप्रियो के?
देखिए बंगाल एक तो संस्कृत देश है और हम लोग का राज्य है। बंगाल में जो संस्कृत स्वामी विवेकानंद जी रविन्द्रनाथ टैगोर का जो दाढ़ी बना बढ़ा के जो मोदी जी दिखाते हैं कि हम रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ हैं, उनका उसका विश्वास के साथ नहीं, अगर वो ऐसा रहते हैं तो आज बाबुल सुप्रियो एक बुरा आदमी को थप्पड़ मार के आप नहीं समझना चाहता। अगर वो आज थप्पड़ मार रहे इसका मतलब बाबुल सुप्रिया नहीं मार रहा है, वो मोदी जी मार रहे हैं। आज मोदी ये बाबुल सुप्रिया मोदी जी की पार्टी का आदमी है, याद रखिएगा। अगर बाबुल सुप्रिया मार रहे हैं मतलब मोदी जी मार, हम मोदी जी को अपील करते हैं, मोदी जी आप यही MP यही MLA को यहाँ पर खड़ा किए हैं जो बंगाल के मनुष्य के ऊपर अत्याचार करे। आज बंगाल में अगर BJP आता है तो हर आदमी के साथ में जो अत्याचार होगा, आप लोग जैसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में घर घर में डूब के महिला का ऊपर जो अपहरण कर रहा है वह योगी जी के पर सरकार, वैसे बंगाल में होगा। इसीलिए हम पूरा बंगाल को बंगाल वासी को बोलते हैं कि आप लोग सच रखिए और याद रखिए कि हम लोग को अगर वोट देना है तो तीनों मुल्क को देना है, ममता बनर्जी का हाथ तगड़ा करना है। अगर BJP आ जाएगा ना तो हम लोग का हम लोग भूखा मर जाएंगे किस, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब आदमी बहुत ही छप जाएगा। यानी कि यूपी की आप बार बार मॉडल की बात कर रहे हो कि यूपी मॉडल खराब है, लेकिन वो ये कह रहा है कि हम बंगाल में भी यूपी मॉडल लेंगे, इतना अच्छा मॉडल है हमारा भाजपा। आप ये बात बदलाइए, भारतवर्ष का रेप में यूपी सेकंड, ठीक है, और बंगाल का नंबर कितना है, 12 नंबर में है बंगाल, तो कौन अच्छा है, यूपी अच्छा है ना बंगाल अच्छा। कलकत्ता वैसे दो बार सबसे सेफेस्ट सिटी भी आ चुकी है महिलाओं के मामले में इंटरनेशनल इस लोगों ने एक किया है, ठीक है। तो इन लोग बोलने से क्या, इन लोग तो झूठा, एक मोदी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वो बोलता हम 1971 में बांग्लादेश आज़ादी के टाइम में वो आंदोलन किया था, तो इससे बड़ा जुमला इससे बड़ा जुमला और कौन है। और लोगों से बात करेंगे दादा, किसकी सरकार, ममता बनर्जी एकदम। वजह क्या है, वजह कि इतना काम किया, सास ससुराल थी, विधवा था, भादो को ये सब किया है, तो इसके लिए कौन, ये तो ममता बनर्जी ने किया ना, मोदी जी कोई काम नहीं किया। क्या किया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया, सब तो प्राइवेट में दे रहा था, पर क्या है दीदी तो काम क्या होगा मोदी जी, क्या काम किया बोलिए, बेचना है सब बेच देगा और कुछ नहीं, लास्ट में क्या हाथ में कटर डाल के चलना है, तब क्या करेगा, कहते हैं फकीर आदमी झोला उठाएंगे चल देंगे। नहीं नहीं दीदी ममता दीदी, माँ माटी मानुष जिंदाबाद, जय बांग्ला जय हिंद, सुनार बांग्ला नहीं चाहिए। हाँ चाहिए, ये हम लोगों को सुनार बांग्ला तो दीदी करेगा और क्या करेगा, मोदी जी नहीं कर पाएंगे, मोदी नहीं कर पाएंगे, मोदी क्या करेगा, गैस पेट्रोल डीजल का दाम पड़ेगा, गैस का दाम सुनार क्या सुनार बांग्ला ऑलरेडी होए आज ऑलरेडी है मोदी आबार नतून करे कि सुनार बांग्ला करबे, ओई जे यूपी कथा बोलछे, परिजाई श्रमिक सबसे एक नम्बर यूपी, परिजाई श्रमिक एक नम्बर यूपी, द्वितीय नम्बर बिहार, तृतीय नम्बर पश्चिमबंग, तो उन्नी हमारे यूपी मॉडल की बनाबे, हमारे आरो भिखारी बनाते चाहिए। बंगाली थोड़ी थोड़ी वैसे मुझे इतने दिन हो गए रहते हुए समझने लगा, इन्हें बोला यूपी बिहार की हालत इतनी खराब है तो हमें क्यों चाहिए यूपी बिहार, सोनार बांग्ला उत्तर प्रदेश, सोनार उत्तर प्रदेश है, सोनार मध्य प्रदेश है, सोनार बिहार है, सोनार आसाम है, सोनार झारखंड जत त्रिपुरा है, सेखने सब लाद मेरे बाई थे बार कर दीचे, सेखने मानुष भूखा मरचे, त्रिपुराते सरकारी कर्मचारी बार कर दीचे, प्राइवेट कर दीचे, तो सोनार बांगला तो करबे कि ओरा तो सोनार कोनो जगह करते पारे नी, तो सोनार धप एगुलो मिथ्या। आपसे सवाल जानेंगे, क्या नाम है आपका, राजेश राउत। राजेश जी ये बताइए, पहले तो क्या आप यहाँ सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि यहाँ हिंदू खतरे में है, आपको क्या लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में वेस्ट बंगाल अनसेफ जगह में सबसे सेफ जगह में, आप पूरा बायोडाटा उठा के देख लीजिएगा, भाजपा तो ये कह रही है हिंदू खतरे में यहाँ पर, का बहुत सारा दांत, हाथी का दांत बहुत तरह का होता, दिखाने का खाने का अलग। आज बाबुल सुप्रियो ने रिपोर्टर को थप्पड़ मारा सवाल पूछने पे, क्या लगता है MP है सरे आम मार रहे हैं पब्लिक, ये नई बात नहीं है, वो बहुत ही, हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ BJP के मारे, बहुत सारे कांग्रेस के भी मारे हैं, ऐसा बात नहीं है, ये अभी चल रहा है, ये कभी अपना भी पावर यूटिलाइज सभी करता है, आप भी अगर आओगे तो आप भी करोगे कहीं ना गलत, नहीं हम कल बहुत सारा चीज होता है, तो क्या आप सब कुछ समाधान कर सकते हैं, नहीं, आपका जब गुस्सा आएगा ना, बाबुल सुप्रियो गलत किया सबको दिख रहा है, ड्यू टू पॉलिटिशियन तो इसलिए हाईलाइट्स हो गया, इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग हाथ चला रहा है, तो सरकार किसकी आ रही है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, 200 प्लस है किसकी, BJP आपका, TMC की, हाँ मिनिस्ट्री मीडिया के लिए भाजपा आ रही है, ये आप लोग का मैंने इंटरनल हाईलाइट्स करने का ये आपको रीजन दिया गया होगा,
शायद दिल्ली से चल रहा होगा। किसकी सरकार आ रही है? न्यूज को हम फॉलो अप कर रहे हैं तो लेकर बैठे हुए पूरा एकदम। किसकी आ रही सरकार? तृणमूल सरकार आएगी, फिर आएगी एकदम 100%। और किस यहाँ बताइए पीछे किसकी सरकार? हाँ दीदी का सरकार। दीदी का सरकार कुछ 100% खेला होबे। दो तारीख को खेला होबे आप बोल रहे हैं और वो बोलना है दो मई दीदी गई, वो तो कह रहा दीदी की बधाई। एक बात हम बोल रहे जय श्री राम, मुझे जावे बीजेपी नाम और कुछ बोलबो ना। बोला है वैसे मुझे हिंदी में इसका उसे बताएंगे। जय श्री राम मिट जाएगा बीजेपी का नाम, मिट जाएगा बीजेपी, बीजेपी का नाम मिट जाएगा। जय श्री राम मिट जाएगा बीजेपी का नाम। जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं जबकि भाजपा ये कहती है कि यहाँ कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगा पाता, लेकिन मेरे सामने ये खुद लगा बोल रहे थे। जय श्री राम कितना बार बोलना चाहिए? जय श्री राम दो तारीख मिट जाएगा बीजेपी का नाम और बोलेंगे। बोलिए आपका देश है, आप जो चाहे बोलिए, बस भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं। और कुछ नहीं, यहाँ पर बहुत सारा चीज बोलने का है। वो बीजेपी आगे जो राम का नाम बदनाम कर रहा है ना, ये तो क्या है? आप तो राम के नाम में लेंगे ना कि अल्लाह कुछ दे दे मेरे को, तो इस तरह का लेके घूम रहे बाजार में राम राम राम। क्या है ये? पॉलिटिशियन है, सब एडुकेटेड पर्सन वहाँ बैठे हुए रहते हैं और ये राम का बाजार में डाला लेके निकले हुए खरीदने के लिए, ये क्या है? बेच के खा रहा है राम को, बेच के खा रहा है। पहले बदनाम ना करो, इसीलिए बोलता राम का नाम। बीजेपी का क्या होगा? राम नाम सत्य है बोल के ये बीजेपी को लेके हमको हम जाएंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बीजेपी राम नाम सत्य है, बस यही करेंगे और क्या करेंगे। आप भी राम का नाम लेंगे लेकिन दूसरी तरीके। अच्छा, और सबसे बड़ा गुंडा कौन है? ये बाबुल सुप्रियो जो है ना, ये जो सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा ये मोदी और अमित शाह, इन्होंने सबसे बड़ा गुंडा है। और तो बाबुल सुप्रियो से कैसे क्या उम्मीद करेंगे बोलिए तो। और ये बाबुल सुप्रियो तो एमपी है और अभी तो सबसे बड़ा पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है, सब कुछ कर दिया, वो बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है। ये बंगाल से उनको हटाना चाहिए। राम नाम सत है, मोदी को लेके अमित को लेके राम खेला देखिए यहाँ तो लोग जो कह रहे हैं, ये लोग इनका कहना यही है कि 200 सीटें जो लाएगी वो भाजपा नहीं तृणमूल लाएगी। तृणमूल सरकार 2 तारीख को बना रही है, 2 मई को। अब होगा क्या ये तो आने वाली तारीख बताएगी। हमने बात करी आज, मेन मुद्दा जो था हमारा वो ये था, बाबुल सुप्रियो ने जिस तरह से रिपोर्टर पे सवाल करने पर, ये कुछ बात कहना चाहिए। ये क्या है, आप लोग तो मीडिया है, जो आदमी को बाबुल सुप्रियो ने थप्पड़ जो मारा वो भी मीडिया का आदमी है, तो ये जो है सारे के सारे जगह में बोल रहा है कि मीडिया जो है तो बीजेपी का आदमी लोग उसको ले लिया, पैसा दे के सबको ले लिया। लेकिन ये होना चाहिए, अभी मीडिया को सोचना चाहिए कि ये जो गद्दार है जो बीजेपी को है, बीजेपी को हटाना चाहिए, बीजेपी को एकदम मीडिया से बॉयकॉट होना चाहिए। ठीक है, ये तो करना है इसको, बाबुल सुप्रियो जो कर रहा है ये है, ये पूरा मीडिया के ऊपर एक दिन आ जाएगा। कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से सच दिखाने की, इसलिए हमने आप लोगों से बात करी कि क्या ऐसे मंत्री को लाना चाहिए सत्ता में जो पब्लिक को सरेआम मारे। ये सरेआम बनता है, ये फैसला जनता का, सरकार को ही नहीं लाना चाहिए। जय श्री राम बढ़ गया पेट्रोल का दाम, जय श्री राम बढ़ गया गैस का दाम, जय श्री राम बढ़ गया डीजल का दाम, आज जय श्री राम विदाई होगा बीजेपी का नाम। चलिए तो देखिए फिर बात, सवाल वही है कि क्या हमें ऐसे लोगों को सत्ता में लाना चाहिए जो पावर का मिसयूज करें। जवाब आपको देना है, आपको इलेक्शन जब आएंगे आप मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आप अपना कैंडिडेट देख के वोट करें कि जो आपका कैंडिडेट है वो आपके काम करेगा या नहीं करेगा, क्या वो सही है या नहीं सही है। आप जाति धर्म या किसी और मुद्दों पर वोट ना डालें, काम के मुद्दों पर वोट डालें। वोट करना आपका अधिकार है, जाइए वोट करिए और होगा क्या बंगाल में 2 मई को पता लग जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।